हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को कहा है कि वो यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर की जीत को छोड़ दें। ये न्यूज़ है 18 अक्टूबर 2017 की। तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं। ये न्यूज़ अमेरिका से है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए वीटो की जीत छोड़ दे भारत, ये यूएसए ने कहा है। तो न्यूज़ ये है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत निकी हैली, ये अमेरिका की एम्बेसडर है निकी हैली, ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के लिए अहम यह होगा कि वह वीटो पावर की जिद करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि रूस और चीन ऐसी दो वैश्विक शक्तियाँ हैं जो सुरक्षा परिषद में मौजूदा ढांचे में बदलाव का विरोध कर रही हैं। अमेरिका इंडिया फ्रेंडशिप काउंसिल के कार्यक्रम में हैली ने कहा, सुरक्षा परिषद में सुधार वीटो से कहीं बड़ी चीज़ है। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य की स्थायी समिति जो कि रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास वीटो का अधिकार है, इनमें से कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह वीटो को ना छुए। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। इस संबंध में भारत का कई मौक़ों पर समर्थन करने वाले अमेरिका ने कहा कि इसके लिए उसे वीटो पावर की रट छोड़नी होगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हैली ने यह बात कही। इसका मतलब है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिली भी तो उसके पास किसी प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार नहीं होगा। निकी हैली अमेरिका भारत मैत्री परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दो ऐसी वैश्विक शक्तियां हैं जो सुरक्षा परिषद के मौजूदा ढांचे में बदलावों के खिलाफ हैं। अमेरिका भारत मैत्री परिषद के अध्यक्ष सुदेश चटर्जी द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में निकी हैली ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद के सुधारों के लिए राजी है और हमेशा से वह इस पर जवाब देता आया है। तो मतलब ये है कि अमेरिका जो कि डायरेक्टली तो कह रहा है कि हम इंडिया के सपोर्ट में हैं, बट इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वीटो पावर इंडिया को दी नहीं जा सकती है किसी भी तरीके से यूनाइटेड नेशन में। तो अब हमें देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने रिलेशन किस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ में डेवलप करती है, जबकि वहाँ पर ट्रंप की गवर्नमेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।